हमारा है टॉपिक बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करने जा रहे हैं उसमें बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं कुछ। वो कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं? सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, सेकंड आता है क्लास, थर्ड इनहेरिटेंस, फोर्थ पॉलीमॉर्फिज्म, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्शन और सिक्स्थ एनकैप्सुलेशन। ये छह जो कंसेप्ट्स हैं ये आपको याद रहने चाहिए। आपको वाइवा में भी पूछा जाता है, एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो इन पे ही बेस्ड होंगे। हर प्रोग्राम में हम क्लास और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। अब ये होते क्या हैं ये सारे कंसेप्ट्स, इसको डिटेल में हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है। एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है और उस एंटिटी की क्या है, कुछ स्टेट एंड बिहेवियर्स होते हैं। एनी एंटिटी जिसका एक स्टेट या बिहेवियर हो उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे पेन, पेन का स्टेट और बिहेवियर दोनों है, ठीक है। अब टेबल, कीबोर्ड और भी एग्जांपल्स, कोई भी आप रियल वर्ल्ड एंटिटी ले लें, ठीक है। फिजिकल हो या लॉजिकल हो, रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसका स्टेट और बिहेवियर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। कोई भी एंटिटी हो जिसका स्टेट और बिहेवियर दोनों चीज़ें हो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अगर इसी को हम अलग टर्म में थोड़ी बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट कंटेन्स एन एड्रेस एंड टेक्स अप सम स्पेस इन मेमोरी। अब जैसे वेरिएबल को सी लैंग्वेज में आप लोगों ने क्या किया होगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें वैल्यूज स्टोर करते हैं ना। डेटा टाइप होता है वेरिएबल, हम डिक्लेयर करते हैं किस डेटा टाइप का हो, किस टाइप का वेरिएबल होगा और उसमें वैल्यूज स्टोर करते हैं। जब हम उसको डिफाइन करते हैं कि इंटीजर टाइप का है, तो फॉर एग्जांपल इंट एन यू एम नम या इंट नंबर, नंबर है हमारा वेरिएबल हो गया और इंट क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। तो नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इंटीजर टाइप के डेटा को, ठीक है। यानी कि कुछ स्पेस उसमें रिजर्व रहेगा इंटीजर का। जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता है, दो बाइट, तो दो बाइट की मेमोरी उस वेरिएबल को मिल जाएगी। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी एक एड्रेस कंटेन करता है और कुछ सब मेमोरी भी इसमें होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट सर, जी सॉरी टू इंटरप्ट सर, हाँ बोलिए। जैसे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, तो किसी एक एग्जांपल का सर आप स्टेट और बिहेवियर बता। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, नेक्स्ट पॉइंट पे ही बता रहा हूँ, ठीक। ऑब्जेक्ट कैन कम्युनिकेट विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ ईच अदर्स डेटा और कोड। अगर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के जो उसमें डेटा स्टोर्ड है या कोड स्टोर है उसकी जानकारी एक दूसरे को होनी चाहिए, ठीक है। द ओनली नेसेसरी थिंग इज द टाइप ऑफ मैसेज एक्सेप्टेड एंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स रिटर्न बाय द ऑब्जेक्ट। हम क्या मैसेज को एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं वो जानना जरूरी है और क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना चाहते हैं वो जानना जरूरी है। अब एग्जाम्पल जो आपने स्टेट एंड बिहेवियर की बात की, तो फॉर एग्जाम्पल डॉग, डॉग एक ऑब्जेक्ट है, डॉग रियल वर्ल्ड एंटिटी है और हर रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या होती है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो डॉग एक ऑब्जेक्ट है, क्यों? इसके स्टेट है, स्टेट मतलब कलर, नेम, ब्रीड, ठीक है। स्टेट में क्या आ गया, डॉग का कलर क्या है, नाम क्या है, उसका नाम भी रखते हैं, कौन से ब्रीड का है, इस ये सारी चीज़ें जो हैं इस टाइप की वो स्टेट्स में आ गए। और इसके बिहेवियर क्या है, ये पूंछ हिलाते हैं डॉग्स, ठीक है, भौंकते हैं, खाना खाते हैं, ये सारे इसके बिहेवियर्स हो गए, स्टेट और बिहेवियर। अब पेन का स्टेट क्या हो गया, यहाँ पे पेन का स्टेट बताइए, पेन का स्टेट क्या होगा, कलर उसका क्या है, ब्राउन, ठीक है।
मेटेलिक होगा तो मेटल इसका स्टेट हो गया, कौन सी कंपनी का है वो स्टेट हो गया, बिहेवियर क्या है लिखने का काम आता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको सर? तो ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि बिहेवियर फंक्शनल जो उसका एट्रीब्यूट्स है उसी को डिफाइन कर रहे हैं। हाँ फंक्शनल। और स्टेट सर? स्टेट उसके प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब जैसे आप सबकी प्रॉपर्टी अलग है, पंखा, पंखा में भी क्या हो गया कंपनी हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लेड्स हो गए, ठीक है, कलर हो गया, है ना, स्टेट्स हो गए। बिहेवियर क्या हो गया, अब जब बिहेवियर ये हो गया कि जब पंखा घूमेगा तो हवा देगी, है ना, यस सर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है क्लास। क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्टेप वाइज जब आप समझेंगे ना तो चीजें आसान लगेंगी। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी और एनी एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर, वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद आता है हमारा क्लास। तो क्लास क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि कलेक्शन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटीज, ठीक है। इट इज लॉजिकल एंटिटी। क्लास जो है वो लॉजिकल एंटिटी है और क्लास कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ब्लू प्रिंट फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। क्लास एक आपका एक ब्लू प्रिंट होता है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा ऑब्जेक्ट में तो स्पेस लेता है, ऑब्जेक्ट स्पेस लेता है, लेकिन क्लास डजेंट कंज्यूम एनी स्पेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, एड्रेस एक कंटेन करता है और कुछ मेमोरी स्पेस भी लेता है, लेकिन क्लास में क्या है, क्लास डजेंट कंज्यूम एनी स्पेस। अब राइट साइड में एग्जांपल देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के। क्लास यहाँ पे हमारा है पर्सन, एक क्लास हमने बनाया है जिसका नाम है पर्सन, ठीक है। उसके कुछ स्टेट और बिहेवियर होंगे, ये हमारा स्टेट्स हो गया, ठीक है, और ये हमारा बिहेवियर हो गया। अब ध्यान से समझिए इसको, क्लास है हमारे पास पर्सन, और पर्सन क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और क्लास का नाम तो पर्सन है लेकिन एक ऑब्जेक्ट भी है जिसके कुछ स्टेट्स एंड बिहेवियर्स होंगे, ठीक है। स्टेट्स क्या है, नाम होगा इस पर्सन का, एज, सिटी, जेंडर। बिहेवियर क्या है, अगर पर्सन है तो खाना खा सकता है, पढ़ाई कर सकता है, सो सकता है, खेल सकता है, तो स्टेट्स एंड बिहेवियर। तो ये दोनों मिला के इसको हम क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स में स्टेट्स सबसे पहले आता है स्टेट, तो स्टेट्स में जो भी चीज़ें आ गई उसको हम बोलेंगे टेक्निकली डेटा मेंबर्स। ध्यान से समझने आप लोग, ठीक है, ध्यान से अभी समझ लेंगे तो भूलेंगे नहीं। जितने भी स्टेट्स आ गए तो स्टेट्स को हम टेक्निकली बोलेंगे डेटा मेंबर्स, और बिहेवियर यानी कि जो फंक्शनल चीज़ें आपने अभी बताया था, जो भी फंक्शंस होंगे इसके, वो आ गए बिहेवियर यानी कि मेथड्स, ठीक है। तो क्लास को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, क्लास इज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस यानी कि डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स। ये भी एक, इससे भी आप डिफाइन कर सकते हो क्लास को, समझ आ गया? कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट है, जल्दी जल्दी बताइए। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। सबसे पहले आया ऑब्जेक्ट, देन क्लास, देन इनहेरिटेंस। सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मिला के ही क्लास बनाएंगे, क्लास क्योंकि कलेक्शन ऑब्जेक्ट का, और एक से ज़्यादा जब क्लास हम बना लेंगे तो वहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे। तो इनहेरिटेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट जब एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज
इनहेरिटेंस। अब यहाँ पेरेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, जब पेरेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट भी होगा कोई, ठीक है, पेरेंट और चाइल्ड दोनों, यानी कि बेस क्लास और सब क्लास। इट प्रोवाइड्स कोड इनहेरिटेंस का बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट क्या है, कोड रियूजेबिलिटी, ठीक है, इनहेरिटेंस प्रोवाइड्स कोड रियूजेबिलिटी एंड इनहेरिटेंस इज यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए कि इनहेरिटेंस में कोड रीयूज कर सकते हैं आप, और इनहेरिटेंस का यूज़ करके आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि जावा में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और भी हैं, उसमें अगर हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है, उसमें रन करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो उसका एक तरीका है इनहेरिटेंस का यूज करके। अब इसमें आप डेफिनेशन आपने देख लिया, अब राइट साइड में देखिए इसका रियल मतलब क्या है इनहेरिटेंस का। सबसे पहले एक हमने क्लास बनाया है एनिमल, एक क्लास है हमारे पास एनिमल, एनिमल का आप कैटेगरी ऐसे समझिए ब्रॉड टर्म में, रियल लाइफ में एक कैटेगरी है हमारे पास एनिमल, तो एनिमल तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो उस एनिमल कैटेगरी में से अगर हम एक बात करें डॉग कैट, ठीक है, तो ब्रॉड जो हो गया वो हो गया एनिमल। अब एनिमल में डेटा मेंबर मेमोरी फंक्शन जो भी है इसमें ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं उसकी, ठीक है। जैसे ही इनहेरिट यानी कि डॉग, डॉग किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, एनिमल को, तो जो मेन क्लास जो बेस क्लास हुआ वो हो गया एनिमल, और जो डिराइव क्लास हुआ वो हो गया डॉग। और जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन में देखा कि डिराइव क्लास क्या करता है, कुछ चीज़ें एक्वायर करते हैं, पेरेंट क्लास के जो कुछ बिहेवियर्स हैं उसको एक्वायर करता है। तो एनिमल का क्या क्या बिहेवियर हो सकता है, ईट स्लीप, ठीक है। अब डॉग में क्या है, ईट और स्लीप दोनों तो होगा ही होगा, ठीक है, कुत्ते खाते भी हैं सोते भी हैं, लेकिन उसके अलावा एक इसके यूनिक क्या है, बार्क, ये भौंकते हैं। तो ये यहाँ पे एडिशनल जो भी चीज़ें ब्रॉड जो कैटेगरी है उसकी जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं वो अपने आप इसमें आ जाएंगी, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा है वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये एरो जो है आप लोग को दिख रहा होगा, अगर ये पेरेंट है एनिमल तो डॉग नीचे वाला है वो क्या है, उसका चाइल्ड है, चाइल्ड क्लास, तो एरो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये एरो उल्टा दिया हुआ है ना, उल्टा, ठीक है। जब आप कोई भी हायरकी बनाते हो तो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ एरो होना चाहिए, चाइल्ड से पेरेंट की तरफ, जो मैं क्वेश्चंस रेज कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए कि आप लोग ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बेस क्लियर होगा आपको तो आगे दिक्कत नहीं होगी। बताइए ये एरो ये जो दिया हुआ ये ठीक है या ऐसा होना चाहिए एरो नीचे के साइड, जल्दी बताइए। गलत ही बता दो आप लोग, इंटरेक्ट करोगे तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। बता सकता है कोई सर, दोबारा बता सकते हैं सर? मैं बोल रहा हूँ ये एरो जो है, ये एरो सो दिख रहा है ऊपर के साइड एरो ऐसे है, यानी कि पेरेंट क्लास की तरफ एरो है, नीचे वाला चाइल्ड क्लास है। तो जब इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज एनिमल से डॉग डॉग में आ रही है, ठीक है, एनिमल का पेरेंट है और डॉग जो चाइल्ड है, तो एरो कौन सा सही है, ये जो ऑलरेडी दे रखा है ये सही है या नीचे की तरफ होना चाहिए एरो? नीचे की तरफ होना चाहिए सर। लेकिन हम जब प्रोग्रामिंग में बात करते हैं और इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो आपको एरो ऐसा ही बनाना है, ठीक है। जनरली इसलिए यहाँ पे इतना आपको टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये गलतियाँ करते हैं, बहुत सारे किताबों में भी आपको ऐसा मिलेगा ये डाउन साइड दिया हुआ, लेकिन वो गलत है, होना अप साइड ही चाहिए, बिकॉज एरो इंडिकेट करता है कि ये किसको बिलोंग करता है, ठीक है, ये नहीं
एरो इंडिकेट हमें यहाँ पे करवाना है कि एनिमल डॉग को बिलोंग करता है, डॉग जो है वो एनिमल को बिलोंग करता है, ठीक है, यानी कि ये जो डिराइव क्लास है वो कहाँ से आ रही है, यहाँ से, तो ऐसे एरो बनाएंगे। यस सर। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अब वर्ड से ही पता लग रहा है, पॉली मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा, मैनी, ठीक है, मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म्स, जो जहाँ पे एक से ज़्यादा फॉर्म्स की बात हो उसे बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो इफ वन टास्क इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज इट इज़ नॉन एज पॉलीमॉर्फिज्म, किसी भी एक काम को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है तो उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल टू कन्विंस द कस्टमर डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से आप कन्विंस कर सकते हैं किसी कस्टमर को, टू ड्रॉ समथिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सेप, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सबका तरीका अलग है, और जावा में वी यूज मैथड ओवरलोडिंग एंड मैथड ओवर राइडिंग टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। पिछले इनहेरिटेंस में भी मैंने दो चीज़ें बताया था कि उसको याद रखना है आपको, उसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है, पॉलीमॉर्फ जावा में अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करना है, पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर किसके थ्रू हो सकता है अचीव, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करके हम अचीव कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म जावा में, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है टू स्पीक समथिंग, फॉर एग्जाम्पल अ कैट स्पीक्स म्याओ, ठीक है, मतलब ये एनिमल्स हैं यहाँ पे, देखिए अलग अलग एनिमल्स हैं, सबका कम्युनिकेट करने का, सब क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन तरीके सबके अलग अलग हैं, है ना, तो इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, इस कंसेप्ट को यहाँ पे। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये भी, जितने भी छह बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। एब्स्ट्रैक्शन होता है कि आप बेवजह कॉम्प्लेक्सिटी को ना बता के सिर्फ काम की चीज़ों को बताएं। जैसे आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल में कोई ऐप यूज़ कर रहे हो आप, तो ऐप के पीछे क्या कोडिंग है उसे जानते हो आप क्या, या जानना चाहते हो, नहीं ना, बेवजह जो उसके फंक्शंस है उसे हम जानते हैं, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन वही है, हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जब हम फ़ोन कॉल करते हैं तो हमें थोड़ी पता कि कौन से टावर से कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो के कॉल हम हमारा कनेक्ट हो रहा है, बस हम जानते हैं कि नंबर डायल करना और वो रिंग हो जाएगा दूसरे साइड पे और कॉल उठाएगा, बातें हो जाएंगे, तो इंटरनल प्रोसेसिंग को हमें जानने की ज़रूरत नहीं होती एब्स्ट्रैक्शन में। जावा की बात करें तो वी यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। ये जो कीवर्ड बताता जा रहा हूँ ना मैं हर स्लाइड पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या टर्म्स हैं जिसका यूज़ करके हम किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने की बात आई तो एब्स्ट्रैक्शन डायरेक्टली नहीं होता जावा में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का यूज़ करके एब्स्ट्रैक्शन को अचीव किया जा सकता है। अब जावा एब्स्ट्रैक्शन का यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल, ये कार है, ठीक है, कार इसमें कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है, लाइसेंस प्लेट, कार का नंबर, है ना, टैक्स ड्यू तो नहीं है, इंश्योरेंस है कि नहीं है, पॉल्यूशन है कि नहीं है, ओनर कौन है, ठीक है, क्या माइलेज है, गैराज, मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें, बिल का इन्फो ओनर, इतनी सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं होती सबको, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हाइड करके हमें क्या सिर्फ जानना है कि कैसे ड्राइव करना है, कैसे चल रही है गाड़ी, ठीक है। तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना है और सिर्फ फंक्शनैलिटी को दिखाना है उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन से वर्ड से ही पता लग रहा है, कैप्सूल कुछ ऐसा ना, कैप्सूल जैसा वर्ड लग रहा है, तो बाइंडिंग या रैपिंग अप ऑफ कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट, इसको हम बोलेंगे एनकैप्सुलेशन। किसी भी चीज़ को, किसी भी कोड, अब प्रोग्रामिंग की बात करें तो कोड को ही बाइंड करेंगे, ठीक है, यानी कि फंक्शंस और वेरिएबल्स, तो उसको जब हम एक जगह पे सिंगल यूनिट में रखते हैं तो उसको बोलते हैं हम एनकैप्सुलेशन। जैसे कि कैप्सूल में क्या होते हैं, एक कैप्सूल एक हमारा ये होता है जिसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन फील होती हैं,
ठीक है, एक सिंगल यूनिट में. जावा क्लास इज एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन. जो जावा में जो हम क्लास बना रहे हैं वो एनकैप्सुलेशन का ही एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, ठीक है, तो सारा कुछ एक सिंगल यूनिट में होता है, तो उसको हम बोलते हैं एनकैप्सुलेशन. एक यूटिलिटी होती है जावा इसमें, तो वो होता है जावा बिन. जो बोलते हैं कि जावा बिन जो है वो फुली एनकैप्सुलेटेड क्लास होती है, बिकॉज ऑल द डेटा मेंबर्स आर प्राइवेट हेयर. जावा बिन एक क्लास है, आपको ध्यान रखना है. जावा बिन अगर क्वेश्चन में आ गया कि व्हाट इज जावा बिन, सो जावा बिन एक क्लास है जो फुली एनकैप्सुलेटेड होती है, और इस एनकैप्सुलेटेड क्लास में जो भी मेंबर्स डेटा मेंबर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं. तो ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है. यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है?